अब आइए अब बात विश्व विजेता की। भारत पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला होने वाला है। अहमदाबाद में दोपहर 2 बजे से मैच की शुरुआत हो जाएगी और मैच से पहले स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। दोनों टीमें अपने पहले 2 मैच जीत चुकी हैं और आज के दिन भी भारत पाकिस्तान की जो टीमें होंगी दोनों ही जीत के मकसद से, जीत के इरादे से ही मैदान में उतरेंगी। बिल्कुल, और ये देखिए किस तरीके की एक्साइटमेंट, पहले से ही तैयार। टिकट खरीदने के साथ ही फैंस को पता होता है कि वो आइकॉनिक मैच देखने जा रहे हैं जहां पर वो गवाह बनेंगे विश्व कप में, इंडिया में, अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने देश के लिए जब वो चीयर करेंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। रही बात मैच की, तो आज टॉप करने का मौका होगा। टेबल पॉइंट्स में जो भी टीम जीतेगी वो बराबरी से 1 स्टेप ऊपर हो जाएगी और बढ़त के साथ इस जीत का आनंद लेगी। लेकिन उससे पहले आनंद की बात करें तो विभोर ये दर्शक और देश के कोने कोने से सबकी तैयारी है। सैटरडे है, सुपर सैटरडे इसीलिए कहा जा रहा है। हर कोई अपनों के साथ मिल करके इस मैच को देखे, यादगार मैच को यादगार तरीके से देखे, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जो लोग स्टेडियम में हैं वो तो इस पूरे मोमेंट को जिएंगे और उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तमाम हमारे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे जो एंथुसियास्ट और लकी रिपोर्टर्स हैं वो भी जगह जगह से जुड़ चुके हैं। दीपा, बिल्कुल, और जीएस विवेक स्पोर्ट्स एडिटर हैं अहमदाबाद से, वो सीधे ग्राउंड से आपको तस्वीर दिखाएंगे, एक्साइटमेंट का लेवल किस तरीके से वो बताएंगे आपको। और साथ ही मुंबई से राजेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, इसके अलावा कृष्णा ठाकुर भी हैं शिवाजी पार्क मुंबई से। सबसे पहले जीएस विवेक आप ही का रुख कर रहे हैं आज, तो देखिए एक्साइटमेंट तो हमारे अंदर भी बहुत है, हम भी वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मैच शुरू हो और वो अच्छी खबर वहां से आए कि जीत चुकी है टीम इंडिया। किस तरीके से आप वहां पर देख पा रहे हैं विवेक? देखिए माहौल अगर आपको यहां पर दिखाना हो तो आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूं कि देखिए आपको कहीं पे भी आप नजर डालिए आपको सिर्फ ब्लू और सिर्फ ब्लू दिखेगा। ब्लू के अलावा कोई और रंग आपको आज पूरे अहमदाबाद में तो क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं दिखेगा। ये है वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच वो महामुकाबला खेले जाने वाला है। आपको बता दें कि गेट सुबह 10 बजे से ही खुल चुके हैं, बहुत सारे फैंस यहां पर भारी तादाद में यहां पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि 1 लाख से ज़्यादा फैंस जो हैं वो यहां पर आज स्टेडियम में हैं और आइए बहुत सारे फैंस हैं और सबकी एंट्री यहां पर हो रही है 10 बजे से, क्योंकि आज अरिजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, नेहा कक्कर, इन सब का भी परफॉर्मेंस है। और ये देखो, ये अगर आपको लगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है तो ये उन्होंने यहां पर साफ कर दिया है। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि लगता है कौन जीतेगा आज, विराट का शतक लगेगा। जीतेगा इंडिया जीतेगा और आगे भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के बैनर्स हैं, फ्लैग्स हैं और हर तरफ आपको सिर्फ नीला ही नीला दिखेगा, क्योंकि यहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। और जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो सारे के सारे फैंस, आपको ये बता दें कि आज तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फैंस होंगे इंडिया के, और पाकिस्तान के फैंस यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और जो पाकिस्तानी लोग आए हुए हैं वो भी शायद प्रेस बॉक्स में शीशों के अंदर बंद है। तो पूरा का पूरा माहौल जो है वो सिर्फ भारत के सपोर्ट में है और सबको यहाँ पर यही उम्मीद है कि 8-0 होगा, क्योंकि ICC के वनडे वर्ल्ड कप में भारत आज तक कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारा है और सबको यकीन है कि यहाँ पर आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी ये रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। बिल्कुल जीएस विवेक, और देखिए 7 बार वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में भिड़ंत हुई है और सातों बार टीम इंडिया जीती है और इसीलिए हिंदुस्तान का जो हौसला है वो बुलंद है। इसी पर लगातार हम बने हुए, हमारे तमाम साथी अलग अलग जगहों से आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मैच हो और अच्छी खबर वहां से मिले। देखिए किस तरीके से क्रिकेट का खुमार छाया और हो भी क्यों ना, 2 बजे का वक्त और काउंटडाउन शुरू है और देश के किस किस कोने से कहां कहां से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं। दीपा, ये हम दर्शकों को दिखाएंगे बताएंगे।
और आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कहां कहां पर कितना लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत भारी भीड़ अहमदाबाद में आप देख रहे हैं। जितना प्रेशर खिलाड़ियों में इस मैच का होता है, भारत पाकिस्तान के मैच का, उतना ही यकीन मानिए कि जो फैंस है उनमें भी होता है। पटना की तस्वीर, दरभंगा, बनारस, अमरोहा, प्रयागराज की तस्वीरें आपने देखी। बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली से जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली वालों के दिल में जीत की उम्मीद तो होती है अहमद बिलाल, लेकिन जीत से पहले वाली वो जो खुशी होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, जो छुपाए नहीं छुपती है, जरा कैमरे के थ्रू दिखाइए, बताइए। देखिए विश्व कप में जो है वो भारत जो है वो जिस तरीके से पाकिस्तान को हराता आया है, वही इतिहास जो है वो एक बार फिर से दोहराया जाए और फिर जो है वो भारत एक बार फिर से विजयी साबित हो, और इसी के लिए यहाँ पर ये जो है वो हवन को का जो है वो भी आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज दिल्ली। बिल्कुल ठीक है। हवन पूजन प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैच शुरू तो हो और उसके बाद जो देखने में लोगों को आनंद आता है भारत पाकिस्तान का मुकाबला, उसी के लिए लोग वेट कर रहे हैं। कृष्णा ठाकुर शिवाजी पार्क मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कृष्णा, वहां पर दिखाइए जरा कितना लोग उत्सुक है, कितना इंतजार कर रहे हैं मैच का, और किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के इस महामुकाबले को लेकर। कृष्णा जी, बिल्कुल जिस तरीके का इंतजार पूरा देश कर रहा है, उस ठीक उसी तरीके से मुंबई में भी जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भारत पाकिस्तान महामुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो 12 से 16 साल की उम्र के हैं। आप लोग बताइए कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान मैच होने वाला है, 2 बजे शुरुआत होने वाली है, किससे उम्मीदें हैं, किसको चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रन बनाए? विराट कोहली से ज़रूर उम्मीदें हैं, और रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ चुके हैं तो उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं, और कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को विकेट से भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई और बच्चे हैं जिनसे बात करेंगे, आप बताइए कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और किससे उम्मीद है कि वो सबसे ज़्यादा रन बनाए? मेरा फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, और विराट कोहली से बहुत ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि वो पिछले मैचेस में भी बहुत ही फॉर्म में दिख रहे हैं, और रोहित शर्मा भी पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने भी पिछले मैच में 100 बनाया था, तो ऐसा लगता है कि दोनों से ज़्यादा उम्मीद है, और शुभमन गिल वो भी वापसी कर रहे हैं इस मैच में। पाकिस्तान जो है उसने भी 2 अपने शुरुआती मैच जीत लिए हैं, दोनों ही टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं, तो ये टफ मुकाबला होने जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, बहुत टफ होने वाला है क्योंकि दोनों टीम बहुत फॉर्म में है। अब दोनों टीम के प्लेयर मतलब एकदम अपने हाईएस्ट पीक ऑफ पॉइंट पे है, मतलब उनका फॉर्म इतना अच्छा है कि उन्होंने बड़ी से बड़े ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम। बिल्कुल, देखिए ये छोटे खिलाड़ी हैं, फ्यूचर ये अपना बनाना भी चाह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि जो ये बिल्कुल देखना भी चाह रहे हैं। लेकिन हम मुंबई लिए चलते हैं, राजेश त्रिपाठी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि जहां वो माहौल के जिस बीच में है वहां से क्या उत्साह, क्या बातें निकल के आ रही हैं। राजेश जी, बिल्कुल, देखिए भारत देश धार्मिक अनुष्ठानों का जो है देश है, और यहाँ जब कोई शुभ कार्य होता है या बड़ा कार्य होता है तो पूजा पाठ जरूर होती है, और ऐसे ही पूजा पाठ और यज्ञ यहाँ पर हम देख रहे हैं मुंबई में, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके हाथों में जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनकी तस्वीरें हैं, और सबको बड़ी खबर। ठीक है राजेश, लौटेंगे आपके पास। शुभमन गिल आज का मैच खेलेंगे, ये बहुत बड़ी खबर और अच्छी खबर है, इसी का इंतजार तो फैन कर रहे थे कि ये खबर मिले। हालांकि डेंगू होने की वजह से कहा जा रहा था खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, शुभमन गिल आज का मैच खेलेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में जो महामुकाबला होने वाला है, और उसमें शुभमन गिल आज उसका हिस्सा बनेंगे, वो खेलेंगे, और उससे उनसे जो है बेतहाशा उम्मीदें भी हैं इस नया इंडिया को। बिल्कुल, देखिए ये शुभ समाचार है, शुभमन गिल जहां पर अब बेसब्री से जो इंतजार था जिस खबर का, वो शुभ खबर आ गई, शुभमन खेलेंगे। तो देखिए विश्व विजेता, 2 बजे का इंतजार, भारत पाकिस्तान का आइकॉनिक मैच, जहां पर आज जो जीतेगा वो अंक तालिका जिसे कहते हैं उसमें एक बढ़त के साथ उसका नाम फ्लैश करेगा, और इंडिया में इंडिया का ही नाम चल रहा है। सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, हमारे साथ GS विवेक हैं, जहां वो मौजूद हैं उनके पास आवाज पहुंचे ना पहुंचे उनकी आवाज हम तक जरूर पहुंचेगी। ओवर टू यू विवेक। जी हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम का माहौल तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर, और सबको यहाँ पर यकीन है कि आज एक बार फिर भारत का दबदबा रहेगा, यहाँ पर फैंस हर तरफ से आ रहे हैं और सबको यहाँ पर इंतजार है, ना सिर्फ अरिजीत सिंह सुखविंदर का बल्कि उन सुपरस्टार का जो आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे और आज एक बार फिर अपना दबदबा दिखाएंगे पाकिस्तान की टीम।
के ऊपर। आप देख सकते हैं कि फैंस लगातार यहां पर गेट्स के ऊपर जा रहे हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है आज 8-0 होगा? 8-0 होगा आज पक्का। शुभमन गिल चलेंगे आज, मैं उधर से देखने आया हूं, उनके गांव से देखने आया हूं। 0-8 खेल राहुल आज शतक मारेगा दोनों। तो कौन जीतेगा आज? इंडिया सबको यहाँ पर यकीन है कि आज शुभमन गिल खेलेंगे। शुभमन गिल इंडिया 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 इंडिया। यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कल जब कप्तान रोहित शर्मा ने ये कहा कि शुभमन गिल जो है वो 99% जो है वो अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के मुकाबले के लिए। और आपको बता दें कि कल नेक्स्ट में भी शुभमन गिल ने काफी देर बल्लेबाजी करी है और उम्मीद की जा रही है कि शुभमन गिल आज का मुकाबला खेलेंगे। और रही बात हम टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की, अगर हम बात करें तो एक बार फिर जैसे कि कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, उसी की तरह से यहाँ पर आज एक बार फिर हमको मिल सकता है कि अश्विन जो है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टीम खेली थी वही टीम आज पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। यानी कि एक बार फिर टीम में बदलाव होंगे, दो बदलाव, ईशान किशन की जगह शुभमन गिल, जिनको लग रहा है कि वो आज का मैच जरूर खेलेंगे। उनको पास कर दिया गया है फिट कि वो ऐसे कंडीशंस में जो है खेल सकते हैं। और साथ ही साथ आर अश्विन जो है वो शार्दुल ठाकुर की जगह खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा सा पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए मददगार रहेगा। बिल्कुल ठीक है जीएस विवेक, लौटेंगे आपके पास। वहां पर जो जोश है खिलाड़ियों के साथ साथ जो खेल प्रेमी है उनमें जो जोश है वो और भी दिखाएंगे और क्या वो कहते हैं उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन ये दो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखें हौसला बढ़ाने पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और साथ ही मैच देखने के लिए अनुष्का शर्मा भी पहुंची है। मैच से पहले वर्ल्ड चैंपियन सचिन तेंदुलकर और अभिनेत्री और विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी अहमदाबाद टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें आपको उसी की हम दिखा रहे हैं। आज बहुत बड़ा मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच में और इस मैच के लिए टीम इंडिया को सपोर्ट करने चीयर करने खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पहुंचे हैं अहमदाबाद। उसकी तस्वीर पहली आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर है अनुष्का शर्मा की, विराट कोहली की पत्नी और अभिनेत्री, जो कि खुद वहां पर आज के दिन मैच देखने के लिए पहुंची है। दो तस्वीर बिल्कुल, इन दोनों तस्वीरों से अंदाजा लगाइए क्या आम क्या खास आज का मैच देखने के लिए सभी अपने घरों से निकल करके इंतजार में है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंडियंस के बीच में ये मैच देखा जाए। और देखिए वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे गब्बर वर्सेस 11 लेडी एंकर्स फॉरन लौट रहे हैं और विश्व विजेता हमारी महाकवरेज लगातार जारी है। स्वागत है आपका, जारी है विश्व विजेता। बड़ी खबर आपको दे दें, भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शुभमन गिल आज का मैच खेलने वाले हैं, ये पुख्ता खबर है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे शुभमन गिल। पहले दो मैचेस में वो नहीं खेल पाए थे, डेंगू उनको हो गया था और डेंगू की वजह से ही वो खेल नहीं पाए थे मैच। लेकिन आज तीसरा मैच है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ ये मैच है, इसलिए अहम हो जाते हैं। जीएस विवेक का रुक कर लेते हैं अहमदाबाद से, वो लगातार आपको बता रहे किस तरीके से वहां पर फैंस में क्रेज है, एक्साइटमेंट है। विवेक जरा बताइए और सभी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं कि मैच शुरू हो और साथ ही टीम इंडिया पर भरोसा लोगों का बहुत ज्यादा है कि वर्ल्ड कप हम जीतेंगे और शुरुआत आज हो जाएगी। टीम इंडिया के वो हमारे पास है, इनसे पूछते हैं क्या लगता है। पहले तो सर जीत का शंख बजाना जरूरी है, जरूरी है, इसलिए तो बजा रहा हूँ, इंडिया ही जीतेगा। और आपको बता दें कि हमारे साथ राम बाबू भी हैं, टीम इंडिया के सुपर फैन डेजिग्नेटेड हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि आज क्या होगा भारत पाकिस्तान के मुकाबले में। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये जलसा है जो क्या सैलाब की तरह पाकिस्तान को बहा के ले जाएगा। हिंदुस्तान की जो 132,000 लोगों की जब गूंजेगी, इतिहास बनेंगे, एक एक मिनट एक एक सेकंड वो पलों को जिएंगे अंदर स्टेडियम में जब पाकिस्तान हारेगा। और पाकिस्तान जब हारेगा नवरात्रे से पहले दिवाली का जश्न जरूर बनेगा आज, और पूरा देश इस जश्न को मनाएगा और पाकिस्तान को हराना है क्योंकि वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है ये। वर्ल्ड कप जीतना पाकिस्तान को हराना वही प्राउड रहेगा। और चले एक बार सुने, जीतेगा कौन? इंडिया इंडिया का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा। भारत माता की जय, इंडिया इंडिया।
तो जीएस विवेक जहां पर मौजूद है वहां पर जोश इतना आई है, हर तरीके से आई कैची, गेटअप हो, लाइंस हो, फ्रेज हो, बैनर हो, पोस्टर हो, हर एक चीज के साथ लोग तैयार हैं फ्लॉन्ट करने के लिए और ये मान के चल रहे हैं कि जीत का सहरा सिर्फ इंडियन टीम के माथे पर ही बनने वाला है। दीपा, बिल्कुल, जीत का शंखनाद इसी के साथ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें कम से कम वहां से आ रही हैं।